Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मित्रों स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 पर एक बार फिर आपका स्वागत है मेरा नाम डॉक्टर परीक्षित सिरोही मैं सहायक प्राध्यापक विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय आपके सामने साइबर अपराध विषय पर हम ये कोर्स लेकर आए हैं और ये उसका द्वितीय मॉड्यूल द्वितीय चैप्टर द्वितीय व्याख्यान है जिसमें हम साइबर क्राइम चैलेंज से निपटने से सामना करने के बारे में चर्चा करने वाले हैं आशा है आपको जो है लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं आज हम इन विषयों पे आपसे चर्चा करने वाले हैं लगभग अगले एक घंटे के समय में हम आपसे ये डिस्कस करेंगे क्या क्या जो हमारा क्रिमिनल लॉ सिस्टम है जो न्याय प्रणाली है उसको साइबर अपराध से क्या क्या जो चैलेंजेस हैं चुनौतियां हैं उनके बारे में बात करेंगे जो इंटरनेट अपराध हैं क्या वो एक नया अपराध है या क्या वो पुराने ही अपराध को नए तरीके से किया जा रहा है इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे सो क्या वो एक नया माध्यम है या पुराने माध्यम से ही आ, जो है वो क्राइम किया जा रहा है नए माध्यम के थ्रू क्या हम कर रहे हैं या वो एक नया अपराध ही है इस पर थोड़ी बात करेंगे अपराध के लिए जो आवश्यक दो तथ्य होते हैं जो आपने अपने क्रिमिनल लॉ क्लास में पढ़े होंगे एक्टेस रेयस और मैंसेरिया इसकी बारे में थोड़ी बात करेंगे क्यों साइबर क्राइम को प्रूव करना साबित करना कोर्ट में थोड़ा सा दिक्कतदायी होता है क्योंकि मैंसेरिया का एस्पेक्ट प्रूव करना थोड़ा सा दिक्कतदायी बन जाता है ये चुनौती होती है मेंसिरिया को प्रूव करना इंटरनेट अपराध में एक जो होता है हैकिंग विदाउट इंटेंशन टू कमिट फर्दर क्राइम इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या जो है हैकिंग जो हम कर रहे हैं अगर और कोई क्राइम नहीं करना चाहते हैं तो वो क्या क्राइम की परिधि में आता है क्राइम की डेफिनेशन में आता है अन्यथा नहीं आ, अगर हम केवल एक्सेस कर रहे हैं किसी गलत तरह की वेबसाइट पे देखिए इंटरनेट पे हर तरह की वेबसाइट मिलेंगी आपको पोर्नोग्राफी मिलेगी आपको बॉम्ब कैसे बनाते हैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगी आपको सुइसाइड करने के तरीकों के बारे में जानकारी मिलेगी आपको जो है आ, बच्चों के साथ जो है यौन संबंध बनाने के वेबसाइट्स इस तरह की मिल जाएंगी आपको जो है चरस गांजा कहाँ से मिलता है इसकी जानकारी मिल जाएगी तो ये अगर मैं केवल ऐसी साइट पे जाता हूँ मैंने कोई वहाँ लेन देन नहीं की तो क्या वो अपराध हो गया मैं केवल वहाँ तक गया तो क्या ये अपराध हो गया इसके बारे में थोड़ी चर्चा आवश्यक है आ, इंटरनेट पर धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड जिसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा आ, आ, अपनी क्लास में भी की थी उसके किस किस तरह की धोखाधड़ी है और भारतीय न्याय संहिता में क्या-क्या उसके जो है आ, आ, जो परिभाषा है और क्या-क्या क्राइम में आता है देखिए और एक यहाँ पे मैं बात कह दूँ हमारे यहाँ भारतीय दंड संहिता इंड इंडियन पीनल कोड 1860 हुआ करती थी 2023 में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उसको जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 को मान्यता दी है और वो जुलाई 2024 हजार चौबीस से आ, आ, अमल में आ जाएगी सो so, अभी हम जो है ट्रांजिशन में चल रहे हैं तो हम जो इस कोर्स में जो भी सेक्शंस की बात करेंगे आईपीसी के सेक्शंस की भी बात करेंगे और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस की भी बात करेंगे तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा डिजिटल uh, सूचना डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है उसको किस तरह से परिवर्तित किया जाता है, चेंज किया जाता है उसका क्या ऑफेंस सुना होगा आईपीसी में उसके बारे में बात करेंगे कि इंटरनेट बेस्ड ऑफेंसिस को हम मिशिफ की परिधि में कैसे ला सकते हैं जो साइबर डेफेमेशन देखिए इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें लोग एक दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकते हैं लिख सकते हैं पहले उसको किसी मौखिक रूप से बोलने की बात होती थी या उसको किसी समाचार पत्र में मैगजीन में लिखने की बात होती थी लेकिन अब जो है इंटरनेट के माध्यम से आप सैकड़ों लोगों तक दो मिनट में पहुंच सकते हैं बुलेटिन बोर्ड वेबसाइट ब्लॉग के द्वारा तो उसमें मानहानि के विषय जो होते हैं उसमें जो है इंटरमीडियरी बिचौलिया जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसकी क्या लाइबिलिटी है जो वो वेबसाइट चला रहा है उसकी क्या लाइबिलिटी है जो व्यक्ति जिसने लिखा है उसकी क्या लाइबिलिटी है जो के जो इशू हैं उसकी बात करेंगे um. फिर जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसके तहत जो भी ओफेंसेज पेनल्टीज और कॉन्ट्रवेंशंस यानी कि उल्लंघन दंड और अपराध हैं उनकी हम चर्चा आपसे करने वाले हैं सो so, ये विषय वस्तु लेकर आए हैं और uh, अब जो है हम uh, प्रारंभ में बात करते हैं कि जो हमारी न्याय प्रणाली है जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम है उसके लिए क्या चुनौतियाँ हैं देखिए मित्रों uh, ये इंटरनेट जो है अपराधियों के लिए एक बहुत सुरक्षित स्थान बनता जा रहा है और यदि हम देखें तो साप्ताहिक रूप से चार दशमलव दो प्रतिशत में वार्षिक रूप से नहीं साप्ताहिक रूप से हर सप्ताह चार परसेंट की वृद्धि होती है इंटरनेट क्राइम्स में विश्व के लेवल पे ये बात हो रही है चार परसेंट हमारे जैसे जो देश हैं जिनमें इंटरनेट का विकास वैश्विक इंटरनेट विकास दर से अधिक है हमारे यहाँ ये परसेंट जो है ये ये छः परसेंट से अधिक है जो वीक ऑन वीक जो ग्रोथ है इंटरनेट क्राइम्स में सो ये आंकड़ा हमारे यहाँ चार परसेंट के बजाय छः परसेंट है भारतवर्ष में आ, ये इसलिए है क्योंकि इंटरनेट पर बहुत विस्तृत तरह की जानकारी बहुत वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट uh, लार्जली जो है अनरेगुलेटेड है अनियमित है uh, और जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं जोग्राफिकल बाउंड्री हैं इनका जो है ये पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी हैं ये इेलीवेंट है पोलिटिकल बाउंड्रीज जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ इंटरनेट पर अप्रासंगिक हैं फ़र्ज़ी योजनाओं से लोगों को यहाँ लूटा गया लोगों की बदनामी की गई चरित्र पर हमला किया गया डेफेमेशन किया गया आ, ये इस तरह की चीज़ें यहाँ हुई हैं क्यों क्योंकि इंटरनेट जो है वो रिलेटिवली नया है आ, आ, सापेक्ष रूप से हम देखें तो वो नया है और जो उसके पीछे जो हमारा जो कानून है वो जो है वो प्राचीन हो गया है आ, आ, देखा गया है कि जो भी क्राइम्स होते हैं उसमें लॉ इन्फोर्समेंट और क्राइम और करने वाले क्रिमिनल्स लॉ इन्फोर्समेंट भी अपनी तकनीक में सुधार लाता रहता है बट जो क्रिमिनल्स हैं उनकी तकनीक में वो एक कदम आगे रहते हैं तो ये हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है और इंटरनेट की दुनिया में ये चैलेंज और बड़ा हो जाता है क्योंकि इंटरनेट की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊँ पूर्व में जो है जो क्रिमिनल्स uh, होते थे उसके पास बाइसाइकिल है और जो पुलिस है उनके पास केवल डंडा है uh, फिर उसके बाद पुलिस के पास बाइसाइकिल आ गई और जो है क्रिमिनल्स के पास मोटरसाइकिल आ गई फिर उसके बाद जो है पुलिस के पास मोटरसाइकिल आई तो क्रिमिनल्स के पास जो है आ, जीप आ गई फिर जो है अब आज की स्थिति यह है कि पुलिस के पास भी जीप है और क्रिमिनल्स के पास एस आ गई है फिर पुलिस के पास भी एस आई पर क्रिमिनल के पास और अच्छी एस आ गई स्पोर्ट्स यूटिलिटी वहीकल तो यही कुछ ऐसे ही स्थिति आप देखेंगे इंटरनेट के केस में भी जो है हमारा जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो इस, इस इस समस्या के साथ ग्रैपल ही कर रहा है तो इसमें जो है मित्रों थोड़ा सा क्योंकि भौगोलिक पॉलिटिकल बाउंड्रीज का आ, कोई इसका लेना देना नहीं है तो आ, जो 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 बाकी देश हैं विश्व के उनको आपस में परस्पर सहयोग बहुत आवश्यक है आ, जो हमारा बुनियादी कानून है वो है भारतीय न्याय संहिता उसके पहले आईपीसी उसमें कंप्यूटर अपराध की कोई परिभाषा ही नहीं है ना आईपीसी में और ना भारतीय न्याय संहिता में तो ये हमें कंप्यूटर अपराध या कंप्यूटर क्राइम की परिभाषा देखनी होती है तो जो स्पेशल लॉ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 हजार वहां जाना पड़ता है अच्छा ये आ, कानून आने से पहले एक वर्ड एक एक गैप देखा गया था तो ये जो है आई ही साइबर अपराधों पर लागू होता था दो साल के पहले दो वर्ष दो के पहले आज भी धारा सतहत्तर जो है आ, आ, साइबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की जिसको हम साइबर लॉ का अधिनियम भी कहते हैं भारतवर्ष में वो कहती है कि जो यहां ऑफेंसेस हैं इस एक्ट के अंतर्गत जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत पर दैट डज नॉट रिलीज ऑफेंडर फ्रॉम इबिलिटी अंडर अदर एक्ट्स मतलब आ, किसी अन्य कानून के तहत जो आपका दायित्व तो है वो आपको उससे मुक्त नहीं करता आपकी जिम्मेदारी आपका जो है बाकी किसी कानून का उल्लंघन आप करेंगे तो वहाँ भी आपकी जिम्मेदारी आपका दायित्व तो रहेगा सो तो ये जो है आईपीसी आज भी लागू होता है बट जहाँ आई और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट है या जहाँ बी आ जाएगा तो बी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उस पे आ, हावी होगा आ, तो हम जो हैं आईटी एक्ट और बीएनएस दोनों के तहत सा, साइबर अपराधों को पढ़ेंगे उनकी जांच करेंगे इस लेक्चर के दौरान इस व्याख्यान के दौरान तो साइबर अपराध में जैसा मैंने कहा कि मेंसिरिया को साबित करना एक टेढ़ी खीर होता है आ, अगर अगर आपका जो है हैकर संगठन के बाहर से है तो शायद आप फिर भी कर पाए पर जैसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए तो वैसे ही अगर आपका जो हैकर है वो आपके ही संगठन आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के भीतर है मान लीजिए आईआईटी कानपुर का सिस्टम हैक हो जाता है तो यदि वो व्यक्ति आईआईटी कानपुर में ही नौकरी करता है और यदि वो दिखा सके कि उसको पास उस सिस्टम को नहीं बट किसी और सिस्टम को पहुंचने का अधिकार था तो ये आपके लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी ये प्रूव करना कि उसने जो है मेन्या था हैकिंग करते समय इसलिए आपका शायद केस जो है कोर्ट में टिक ना पाए मैंने आपसे बात की कि अंतरराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमें कोऑपरेशन की जरूरत है हमें जो है सहयोग की जरूरत है इंटरनेट से जुड़े अपराधों में कमी लाने के लिए तो पहली जो अंतरराष्ट्रीय संधि थी वो है बूडा पेस्ट संधि ये बूडा पेस्ट है ये ये बूडापेस्ट संधि है और ये साइबर अपराध पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गोष्ठी थी नवंबर 2001 में ये बुडापेस्ट जो है हंगरी की कैपिटल है और वहाँ पे ये जो है इस तरह का जो ये संधि की गई थी इंटरनेट अपराध के बारे में बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि नहीं ये केवल पुराना ही क्राइम है और उसको करने का तरीका बदल गया जब है जबकि कई व्यक्ति कहते हैं कि नहीं ये जो है नया अपराध है आ, पहले आप किसी को बंदूक की नोक पे या उसकी जेब काट के उसके पैसे निकालते थे अब आप जो है उसकी पासवर्ड को हैक कर लेते हैं या उससे पासवर्ड निकलवा लेते हैं स्पैमिंग स्कीमिंग से करके जैसे हमने कल बात की तो जो जो जो, जो ये विशेषज्ञों की राय बटी हुई है पर जो जनरल तौर पर आज माना जाने लगा है कि ये नए माध्यम से किया गया पुराना अपराध ही है ये नया अपराध शायद नहीं है बट हाँ कुछ नए अपराध भी आए हैं बट नए तरीके से किया जा रहा है आ, इंटरनेट का तेजी से विकास हो रहा है, की बात है ये सब जो है इनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता हमारी बढ़ जाती है कॉर्पोरेट सुरक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी कंपनी की किसी देश की सुरक्षा को प्रवेश करने के लिए उपकरण अवेलेबल है ये सब डार्क वेब पे या डीप नेट पे मिल जाते हैं आ, ये एक ऐसा आ, मार्केट प्लेस है जहाँ पे सारे इलीगल काम होते हैं uh, मेरे विश्वविद्यालय है की मेरे विभाग की जो वेबसाइट है वो आए दिन हैक हो जाती है uh, हमारे जो है सिक्योरिटी है बट वो हैक हो जाती है बड़े बड़े संस्थानों की वेबसाइट हैक हो जाती है uh, सभी जो इंटरनेट उपयोग करता है यूज़र्स है दे आर नॉट डूइंग द थिंग्स करेक्टली ये सब जो है वैध गतिविधियों में इन्वाल्ड है ऐसा नहीं है uh, बहुत सारी अवैध गतिविधियाँ भी हो रही हैं इलीगल गतिविधियाँ भी हो रही हैं uh, तो देखिए इंटरनेट पे जो गोपनीय जानकारी है जो निजी जानकारी है आ, उसकी सुरक्षा एक बहुत अहम बात हो गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में धारा अठहत्तर बनाई है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाए हैं भारत में अगस्त 2023 में आ, उसमें जो है जो जो जो, जो कंपनी निजी डेटा संग्रह करती हैं उनकी लाइबिलिटी है और जो एम्प्लॉज जिसने लीक किया उसकी भी लाइबिलिटी है तो ये दोनों की ही लाइबिलिटी है ये देखिए कुछ हमने यहाँ पे तरीके बताए हुए हैं आ, ये देखिए जो हैं कुछ कुछ तरीके जिससे ये हमले किए जाते हैं हम एक एक करके इनकी थोड़ी सी बात कर लेंगे तो नेटवर्क पैकेट स्निफर्स ये क्या होता है कि आप जैसे डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर तो ये जो उसको जैसे स्निफर का मतलब सूंग लेना तो वो आपके डेटा को स्निफ कर लेता है और चोरी हो जाता है आपका डेटा सूंघ के निकाल लिया जाता है आपके आईपी को स्पूफ आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को स्पूफ करते हैं हमलावर जो आपके सिस्टम के बाहर है वो ऐसा आभास दिलाता है कि वो आपके सिस्टम का ही एक पार्ट है आ, मान लीजिए मैं आई कानपुर से मेरा कोई संबंध नहीं है बट मैं जो है यहाँ के लोगों को ये आभास दिलाता हूँ अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से कि मैं आई कानपुर का ही भाग हूँ और अपनी गोपनीय जानकारी वो मुझे दे देते हैं जब मैंने उनको ये आभास कराया पासवर्ड के अटैक होते हैं कि लोग जो है आपका पासवर्ड हैक करने का प्रयास करते हैं सिंपल तौर पे देखिए आपके पास जी अकाउंट है आपको एकदम से मैसेज आएगा या फेसबुक अकाउंट है कि जी आपका पासवर्ड अटैक करने की किसी ने कोशिश की थी ये आई एड्रेस यदि आप थे तो ठीक है यदि आप नहीं थे तो तुरंत कार्रवाई करिए पासवर्ड बदलने का प्रयास करिए हमें कॉन्टैक्ट करिए उनकी कस्टमर सर्विस को कॉन्टैक्ट करिए बाहरी स्रोत को संवेदनशील जो इम्पॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बेचना आ, मैंने कल से कमाई हुई राशि जमा हो गई और इनकम टैक्स के नोटिस मिले तो आ, वैसे ही जो है बाहरी स्रोतों को अगर आपकी संवेदनशील जानकारी मिल जाती है तो आपका भारी नुकसान कराने में सक्षम हो सकते हैं मसलन आपने एक टेलीफोन कनेक्शन लिया और आपके नाम से किसी ने फर्जी टेलीफोन कनेक्शन ले लिया और उसका आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर लिया आ, आपके इंटरनेट का पासवर्ड किसी को पता चल गया वाईफाई का पासवर्ड किसी को पता चल गया और उसने जो है उस वाईफाई का पासवर्ड किसी अनैतिक या इलीगल काम के लिए किया या इमोरल काम के लिए कर लिया या आ, तो आपको उसके लिए जवाबदाई होनी पड़ जाएगी तो आ, ये हमलावर जो है विभिन्न नेटवर्क पर पहुंच जाते हैं और ये कुछ हमने सामान्य जो बेसिक से तरीके हैं उनका उल्लेख यहाँ किया है Uh, जो आपके अपराध के आवश्यक तत्व हैं आपने ये अपने क्रिमिनल लॉ की कक्षा में अवश्य पढ़ा होगा एक्टस रेस और मैंसीरिया मैंसीरिया मतलब मेंटल एलिमेंट और एक्टस रेस मतलब जो वास्तविक आपने कार्य किया है मित्रों आपको वो शायद स्मरण हो बारहवीं शताब्दी तक ट्वेल्थ सेंचुरी तक मैंसीरिया की कोई आवश्यकता नहीं थी यदि कुछ कार्य हो गया मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने चाकू मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई तो आवश्यक बस ये है कि उसकी मृत्यु हो गई आवश्यक ये नहीं है कि आपकी उस टाइम मनस्थिति क्या थी क्या आपको पता था कि चाकू मारने से आदमी मर सकता है क्या आप, आप मान लीजिए आप मानसिक रूप से सक्षम नहीं थे मान लीजिए आप केवल सात वर्ष की आयु से नीचे थे या मान लीजिए कि आपकी मनस्थिति ठीक नहीं है और आपने चाकू से वार करते समय आपको पता ही नहीं था कि मृत्यु भी हो सकती है तो ऐसे केस में भी बारहवीं शताब्दी से पहले तक आपको दोषी करार दिया जा सकता था मृत्यु आपने किसी की मृत्यु कराई तो ये मर्डर हो गया बट बारहवीं शताब्दी के पश्चात ये मर्डर नहीं है क्योंकि ये भी साबित होना पड़ेगा कि आपकी मनस्थिति क्या थी आपकी मंशा क्या थी तो ये जो मंशा है इस को हम मेन्सिरिया कहते हैं मैंसरिया नॉलेज या इंटेंशन दोनों में से एक होना चाहिए ये थोड़ा सा बस रिविजन है जो आपने क्रिमिनल लॉ की क्लास में पढ़ा है उसकी यहाँ बात करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इंटरनेट बेस्ड अपराधों में हमें मेन्सिरिया को लेकर काफी तकलीफ होती है प्रूव करने में तो मेन्टस तो बड़ा क्लियर है जो डीड है जो असल में हुआ है जो एक्शन हुआ है जो एक्शन बना जो एक्शन हुआ है जिससे जो भी हुआ है ये मानव आचरण का भौतिक परिणाम है तो ये तो परिणाम हो गया ये क्लियर है एक्टस जो है ये मानसिक तत्व मेंसुरिया को छोड़ के सब कुछ आपने जो है चाकू को साफ किया आपने जो है चाकू दस फुट की ऊंचाई से चलाया आपने जो है उस दिन लाल वस्त्र पहने हुए थे ये सभी चीजें एक्टस में आ जाती हैं मानव आचरण का ऐसा परिणाम जिसे कानून रोकना चाहता है। ये एक्टस है आ, इंटरनेट अपराधों के मामले में एक्टस की पहचान तो हो जाती बट साबित करना मुश्किल हो जाता है पहचान हो जाती है बट साबित करना मुश्किल होगा आपने कितने सारे ऐसे मर्डर केसों के बारे में सुना होगा देखा होगा पढ़ा होगा कोर्टों में जबकि खुली किताब की तरह साफ है कि किसने मर्डर किया पर सजा नहीं हो पाती वो साक्ष्य के अभाव में एविडेंस नहीं है मैंसरिया प्रूव नहीं हो पाता है कमाबोश वही स्थिति एक और ज्यादा व्यापक रूप से यही कठिनाइयां हमें आती हैं साइबर अपराध के केस में भी और अब मैं आपको थोड़े से कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं यहाँ पे एक्ट्रेस रिया के तो आपने किसी कंप्यूटर को किसी एक तरह से फंक्शन कराने की कोशिश की ये एक्ट्रेस रिया हो गया मैंने आपके कंप्यूटर का स्विच ऑन किया ये एक्टस रिया हो गया आ, किसी कंप्यूटर में जो डेटा रखा हुआ है उस तक मैंने पहुंचने का प्रयास किया देखिए मैं सफल हुआ या असफल हुआ मैं आपके डेटा तक हार्ड डिस्क तक पहुंचने का प्रयास किया ये एक्टस हो गया प्रयास एक्टस हो गया आ, और ऐसा व्यक्ति जो ऑथराइज़ नहीं है ठीक है वो एक्टस में आ गया यदि मैं किसी आपके कंप्यूटर के थ्रू किसी और कंप्यूटर तक पहुंचने के प्रयास करूं या आपके नेटवर्क में घुसने का प्रयास करूं तो ये भी एक्टस हो गया लॉग इन करने का प्रयास करूं असफल प्रयास भी गिना जाता है क्योंकि अधिकांश हैकर्स के पास जो है वो पासवर्ड चलाने का प्रोग्राम होता है इसीलिए आपने देखा होगा कैप्चा आता है जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं कैप्चा आता है या लिखा होता है प्रूव दैट यू आर ह्यूमन साबित कीजिए कि आप इंसान मशीन नहीं वो इसलिए क्योंकि ये ये जो है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम से रन करता है तो आपने इनमें से कोई सा भी कुछ कर दिया ये एक्टर्स के सारे उदाहरण है जो मैंने यहाँ पे तीन चार चीजों का उल्लेख किया मित्रों तो। अब हमने एक्टर्स की बात कर ली अब हम मेन्सरिया की बात करते हैं ये दूसरा अनिवार्य तथ्य ये इस स्लाइड में हमने एक्टस रेस की बात की और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मैंसरिया की तो मित्रों मैंसरिया का सीधे सीधे मन मतलब है गिल्टी माइंड यानी कि दोषी दिमाग आपके दिमाग में या तो इंटेंशन है या नॉलेज है या तो आपको पता है कि मैं वार करूँगा चाकू से सीने में तो मृत्यु हो सकती है इसको नॉलेज कहेंगे और इंटेंशन मतलब आपको पता है कि आप आप इस इरादे से वार कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मृत्यु हो जाए तो या तो नॉलेज या इंटेंशन दोनों में से एक होनी चाहिए बारहवीं शताब्दी तक दोषी दिमाग या गिल्टी माइंड या मैंसेरिया की आवश्यकता नहीं थी क्राइम को प्रूव करने के लिए जो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है जहां से मैंने आपको मैंसेरिया की परिभाषा देने की कोशिश की है केनीज आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ वो कहता है इंटेंशन सनेस नेग्लिजेंस ये जो है मानसिक दृष्टिकोण यानी कि मैंसेरिया में शामिल हो सकते हैं ये जो है सो so, इरादा यानी कि इंटेंशन लापरवाही यानी कि रेकलेसनेस और आ, जो है नेग्लिजेंस यानी कि गैर जिम्मेदाराना तरीका ये आ, जो है मैंसेरिया को दर्शा सकते हैं ये केनीज आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ ऐसा कहता है आ, इंटरनेट अपराध करने समय ये इंपॉर्टेंट है करने समय जब मैं आपके सिस्टम में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रहा था तब क्या मुझे पता था कि मैं अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रहा था यदि मुझे उसके बाद पता चला तो मैंने तो ऑलरेडी जो है जो क्राइम है वो तो कर दिया बट क्राइम करते समय क्या मुझे इस बात का पता था इसीलिए सब जगह लिखा रहता है अनऑथोराइज एक्सेस इसीलिए आपने देखा होगा दरवाजे पे लिखा रहता है प्रवेश केवल अधिकृत व्यक्तियों के लिए वो क्यों होता कि आपको सूचित किया जाए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है जानते बूझते आप गलत करेंगे तो अपराध हो जाता है गलती से किया हुआ अपराध नहीं होता है मित्रों सो so, uh, इंटरनेट पे अपराध करते समय व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर को आप एक्सेस करना चाहते हैं वो आपके लिए नहीं है यू आर नॉट सपोज टू एक्सेस इट हैकर को जो इंटेंशन होना चाहिए अच्छा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए होना चाहिए स्पेसिफिक इंटेंशन की जरूरत नहीं है मैं यहां लिख देता हूं स्पेसिफिक इंटेंट नॉट रिक्वायर्ड हमें जो है स्पेसिफिक की जरूरत नहीं है अगर हम अमुक कंप्यूटर को हैक करना चाह रहे थे और अमुक की जगह बी कंप्यूटर को हैक कर दिया हमने तो ऑफेंस फिर भी हुआ ये नहीं कि हम जो है कंप्यूटर कंप्यूटर को को ए हैक करना चाहते थे और ए की जगह no, से मर्डर तो है।, है, है, है उसमें हम नहीं जा रहे हैं बट हैकिंग का ऑफेंस इज कम्प्लीट तो हैकर के लिए जानना ये महत्वपूर्ण नहीं है कि, कि किस कंप्यूटर पर हमला किया जा रहा है अगर उसको पता है कि वो हमला कर रहा है और वो हमला अनाधिकृत है तो वो ऑफेंस कम्प्लीट हो जाता है मित्रों हम थोड़ा सा और मैंसरिया के बारे में पढ़ेंगे ये आवश्यक नहीं है कि किसी विशेष प्रोग्राम या किसी विशेष डेटा की ओर आपका जो है अटैक निर्देशित है नो no. इट किसी भी तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम या किसी भी तरह के डेटा को अगर आपने हैक किया तो ऑफेंस कंप्लीट मान लीजिए मैं आपकी निजी बैंक जानकारी चुराना चाहता था वो नहीं चुरा पाया बट मैंने आपका जो है जो मेडिकल रिकॉर्ड्स चुरा लिए तो बैंक जानकारी के अलावा मैं मेडिकल रिकॉर्ड चुरा लिए बट फिर भी जो है मैं आपका जो है एक्रोबैट रीडर प्रोग्राम से डेटा चुराना चाहता था वहाँ से नहीं चुरा पाया तो मैंने आपकी जो है मोबाइल की फ़ोन बुक जो थी आपके कंप्यूटर पर उसको चुरा लिया बट ओफेंस वहाँ भी कम्प्लीट है मित्रों बस ये देखना है कि जो आप प्रवेश कर रहे हैं जो आप जानकारी ले रहे हैं जो आप एक्सेस कर रहे हैं वो अनाधिकृत या अनऑथराइज होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अनऑथराइज्ड है तो उसको ये पता होना चाहिए हैकर को है कि जब आप एक्सेस प्राप्त कर रहे हैं उस समय आपको पता होना चाहिए कि ये नॉट अलाउड अनाधिकृत अनऑथराइज है मित्रों अगर हैकर जो है बाहरी व्यक्ति है ऑर्गेनाइजेशन uh, के बाहर है मान लीजिए मैं आईआईटी कानपुर से मेरा कोई सरोकार नहीं है और मैं आईआईटी कानपुर के सिस्टम में प्रवेश पाने की कोशिश कर रहा हूँ तो साबित करना आसान है कि भाई इनका तो यहाँ मतलब ही नहीं आने का ये क्यों आना चाह रहे हैं तो इस केस में हैकिंग को प्रूव करना रिलेटिवली आसान है आ, मान लीजिए मैं इस घर में रहता ही नहीं हूँ और मैं इस घर का दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर रहा हूँ तो तो ये सीधा सीधा केस आसान हो जाता है मान लीजिए मैं आईआईटी कानपुर में ही नौकरी कर रहा हूं कंप्यूटर साइंस विभाग में नौकरी कर रहा हूं बट कंप्यूटर साइंस विभाग में नौकरी करने का यह मतलब तो नहीं कि मैं हर कंप्यूटर का मेरे पास एक्सेस है यहाँ तो सैकड़ों कंप्यूटर है तो मित्रों आ, ऐसे केस में प्रूव करना मुश्किल हो जाता है मान लीजिए मैं अपने ही घर में किसी ऐसी जगह जाने का प्रयास कर रहा हूं जहां मुझे अलाउड नहीं है मान लीजिए मेरे पिताजी की अलमारी है या मेरी माताजी का संदूक है वहाँ तो मुझे जाना अलाउड नहीं है बट ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप जानते हैं अपने ही घर में चोरी प्रूव करना कितना मुश्किल है दूसरे के घर में आप चोरी कर रहे हैं प्रूव करना आसान हो जाता है कोर्ट में अपने ही घर में चोरी करना प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है मित्रों सो so, ये जो है ये चैलेंज मैंने आपको बताया एक बहुत महत्वपूर्ण वाद है जिसका मैंने उल्लेख किया है दया सिंह लाहौरिया बनाम भारत संघ ये 2001 का वाद है इसमें महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि, कि किस समय मैंसेरिया डेवलप हुआ वो देखना बहुत आवश्यक है कि मैंसरिया उसी समय डेवलप होना चाहिए जब पहली बार आपने अनाधिकृत प्रवेश करने का प्रयास किया ऐसा ये वाद कहता है मित्रों मित्रों इंटरनेट पे जो अपराध होते हैं मोटे तौर पे देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं एक तो सिंपल आगे आप कोई इरादा नहीं है आपका बहुत सारे हैकर्स होते हैं वो बस इसको एक चुनौती समझते हैं कि मैंने हैकिंग कर दी आमतौर पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं मैं लेक्चर देने गया तो आम, दस से लेकर चौदह साल की उम्र की लड़कियां थीं वो शौकिया हैकिंग करती थी दिल्ली के एक स्लम में तो मुझे जो है लीगल एड के लोगों ने वहाँ पे भाषण देने के लिए बुलाया था तो मैंने उनको काफ़ी समझाया कि हम ये जो आप कर रहे हैं ये थोड़ा सा साइबर अधिनियम के तहत इलीगल है बट वो समझते थे लड़कियां कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है एक सर्टिफिकेशन जैसा कि देखो हम तो इस हैकिंग कर लेते हैं इनका आगे कोई इरादा नहीं है आगे कुछ और क्राइम करने का तो इसको हम कहते हैं गैर इरादतन हैकिंग इनका आगे का कोई क्राइम नहीं है दूसरे तरह की होता है कि आप और आगे का कर, करना चाहते हैं डेफामेशन करना चाहते हैं जालसाजी करना चाहते हैं फ्रॉड करना चाहते हैं चोरी करना चाहते हैं थेफ्ट इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं और तीसरा तरीका होता है आप जो है दूसरे के सिस्टम में प्रवेश पाके वायरस लॉजिक बॉम्ब ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर इस तरह की चीज़ें छोड़ना चाहते हैं और वहां से जो है डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या जानकारी चुराना चाहते हैं उसके सिस्टम में आप डिस्ट्रक्शन पैदा करना चाहते हैं मित्रों एक एक करके हम इन तीनों को स्टडी करेंगे जब हम हैकिंग विदाउट इंटेंशन टू कमिट फर्दर क्राइम की बात करते हैं जो हम बिना किसी और अपराध के इरादे के ये करना चाह रहे हैं उसकी बात करेंगे तो ये देखिए सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज भी लगातार इससे परेशान है कि वो हैकिंग अटैक्स मैंने अपने विश्वविद्यालय की जो बहुत प्रेस्टिजियस विश्वविद्यालय है उसकी जो है विधि संकाय की वेबसाइट और उसकी वेबसाइट की बात की हैकर बस आनंद प्राप्त करना चाहता है इन्जॉयमेंट प्राप्त करना चाहता है और उसको इससे किक मिलती है उसको जो

भारतीय न्याय संहिता में जो क्रिमिनल ट्रेसपास की बात की गई है उसमें जो है किसी और की संपत्ति पे अत, अतिचार या ट्रेसपास अतिचार या ट्रेसपास दूसरे की संपत्ति पे अगर हम उसकी बात करें तो ये उसकी परिधि में आ सकता है हम जरा भारतीय न्याय संहिता का 329 1 की बात कर लें मैं पढ़ देता हूँ। Whoever एंटर्स इनटू और अपॉन द प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ अनादर देखिए दूसरे की प्रॉपर्टी में आप जो पोजेशन में है किसी और की उसमें आप गए विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस इंटिमिडेट इंसल्ट और एनॉय इंटिमिडेट इंसल्ट एंड एनॉय इनमें से एक एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी जिसके पास यह है या जिसके पास जो उस प्रॉपर्टी पे गया है अनलॉफुली वहां रहता है और वो इंटिमिडेट, इंसल्ट और एनॉय करना चाहता है उसने ओफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेस पास किया है फिर देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, जो भी हुएवर एंटर्स इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ अनदर विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस और इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय पर्सन इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी और हैविंग लॉफुल एंटर्ड इंटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी अनलॉफुल रिमेन्स देर ये ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है विद इंटेंट टू डेयर ट्रेसपास मान लीजिए मित्रों प्रॉपर्टी आपकी है मैं वहां गया, unlawfully गया इस इरादे से कि मैं या तो आपको डराऊंगा या आपको अपमानित करूंगा या आपको किसी और तरीके से तंग करूंगा इस इरादे से मैं गया और या मैं लीगल तरीके से गया पर मैं रुक गया अनलॉफुल तरीके से मान लीजिए मैंने आपकी घंटी बजाई दरवाजे की आपने दरवाज़ा खोला मैं लीगल तरीके से आया आपके घर में पर मैं वहाँ आके बस गया और मैं आप जाने का नाम नहीं ले रहा तो मैं लीगली आया बट मैं रुक गया इलीगली और मैं आपको थ्रेटन अनोए या किसी और तरीके से तंग कर रहा हूँ आपकी प्रॉपर्टी है मान लीजिए मैं अपने ऑफिस गया दस बजे मैं वहां कर्मचारी हूँ तो मैं दस बजे जा सकता हूँ ऑफिस खुला होता है दस बजे बट ऑफिस पांच बजे बंद हो जाता है बिना किसी कारण के कि अगर मैं रात को दस बजे तक बैठा रहूँ तो ये इलीगल हो जाता है मेरा प्रवेश लीगल था बट अब मैं वहां इल्लीगली हूं आप समझ रहे हैं ये जो बात हो रही है लॉफुली अनलॉफुली रिमेन्स दैट तो ऐसे में क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस uh, बन सकता है अब बात आती है कि क्या वेबसाइट को हम संपत्ति मान सकते हैं बिल्कुल जिस कंपनी की वेबसाइट है जिस विश्वविद्यालय की वेबसाइट है उसकी यह संपत्ति है तो संपत्ति का ही ट्रेस पास हो सकता है संपत्ति का ही अतिचार हो सकता है तो यह क्रिमिनल ट्रेस पास के दायरे में आ सकता है और इसलिए हैकिंग को हम इंटिमिडेशन या के दायरे में ला सकते हैं मित्रों इसलिए क्रिमिनल ऑफेंस जो बनता है वो क्रिमिनल ट्रेस पास का बन सकता है अगर आप गैर इरादतन हैकिंग करते हैं इसके आगे आपका कोई इरादा नहीं है बट फिर भी ये ऑफेंस कंप्लीट हो गया और यही बात मैंने उन लड़कियों को समझाने का भरपूर प्रयास किया आई डोंट नो मैं सफल हुआ कि नहीं बट मैंने प्रयास अवश्य किया मित्रों जो विभिन्न प्रकार के हैकर्स होते हैं ये चार मेन प्रकार के हैकर्स की हमने यहाँ चर्चा की है कोड हैकर्स ये कंप्यूटर के बारे में सब जानते हैं इनसाइड आउट जानते हैं कंप्यूटर्स को जिसे हम कहते हैं इनसाइड आउट इसलिए मैंने लिखा अंदर से जानते हैं इनको कंप्यूटर के बारे में विशिष्ट जानकारी है एक्सपर्ट्स हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं मैंने मुझे याद है जब मैं कंप्यूटर साइंस की पहली क्लास में गया था मुझे शायद छठी क्लास में रहा हुआ जो भी तो मुझे मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने एक चीज़ सिखाई कि कंप्यूटर को आप कभी खराब नहीं कर सकते दो ही तरीके से खराब हो सकता है या तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते और या आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं नॉर्मल यूसेज से कोई भी व्यक्ति किसी भी कंप्यूटर को खराब नहीं कर सकता कुछ नहीं जानने का मतलब है आप उस पर पानी डाल दीजिए आप उसको जैसे हमारे एक मित्र ने जो है अपना मोबाइल फोन दही में डाल दिया तो ऑब्वियसली खराब हो गई ना और या आप बहुत ज्यादा बड़े जानकार हैं ये कोड हैकर्स वो हैं ये कंप्यूटर से कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी करा सकते हैं ये सबसे खतरनाक किस्म के व्यक्ति हैं फिर हम बात करेंगे क्रैकर्स ये सेंध लगाने में उस्ताद होते हैं ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सुरक्षा के जो टूल्स होते हैं उनको दरकिनार कर देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही खेल करते हैं हर कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज हो सकता है या मैक हो सकता है या जो आपके मोबाइल फोन्स हैं उनके सब में ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं फिर साइबर पंक्स की बात करते हैं ये क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करते हैं हैकिंग के लिए क्रिप्टोग्राफी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे सातवें आठवें मॉड्यूल में जो क्रिप्टोग्राफी होती है इंक्रिप्शन की एक टेक्निक होती है ताकि जो कम्युनिकेशन है वो हर कोई उसको इंटरसेप्ट ना कर सके जो तो ये जो है क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करते हैं हैकिंग के लिए फिर फ्रीकर्स होते हैं फ्रीक जो होता है ना ये आपने अंग्रेजी में शब्द सुना होगा फ्रीक तो फ्रीक से निकला है ये और इसकी अलग वर्ड बनाने के लिए एफ को पीएच से रिप्लेस कर दिया गया है जैसे फिशिंग और फिशिंग कल मैंने बताया था जैसे हमने कल ये देखा था फिशिंग और वैसे ही F से P बन गया है यह हैकर जो है कंप्यूटर इंटरनेट और मास टेलीकॉम सिस्टम का गहन ज्ञान रखते हैं जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गहन ज्ञान रखते हैं और यह भी काफी खतरनाक होते हैं मित्रों ये जो मैंने बात की थी दैट आप मेयर एक्सेस कर लेते हैं आपका कोई गलत इरादा नहीं है बट आप जो है केवल एक्सेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे बहुत तरह की अवैध सामग्री है जैसे मैंने कहा पॉर्नोग्राफी मादक पदार्थ कहाँ से मिलते हैं तस्करी इस तरह की चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी इंटरनेट पर सो so, uh, अगर आप केवल उस उस वेब पेज पे गए आपने इस तरह की जानकारी देखी सो so क्या ऑफेंस बन गया इंटरनेट पे कई साइट हैं जो बहुत तरह की गतिविधियां आपराधिक उनकी मेजबानी करती हैं होस्टिंग करती हैं नारकोटिक ड्रग्स पोर्नोग्राफी सेक्स चैट साइट्स इनके बारे में पोर्नोग्राफी का भी हमारा एक मॉड्यूल है आगे बात करेंगे ऐसी वेबसाइट्स को इंटरनेट पर खुलेआम विज्ञापित किया जाता है आ, ये कई आपको चरण दर चरण अपराध करने के तरीके बता देंगी आप मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसी शिक्षा में नहीं दे रहा बट आप जाके देखिए आपको बम बनाने का तरीका इंटरनेट पे मिल जाएगा अगर आप गूगल पे देखेंगे हाउ टू मेक अ बॉम्ब हाउ टू कमिट सुइसाइड राइट हाउ टू यूज़ अ ब्लेड टू किल समवन ये इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट बता देंगे ठीक है ऐसे ही आपको बता देंगे सल्फास कहाँ मिलता है चूहे मारने की दवाई कहाँ मिलती है तो हर तरह की चीजें दुनिया में मिलती हैं अब जैसे फायर है आग है आग से दुनिया में कितने अच्छे काम होते हैं आप जो है ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं आप घर को गर्म रखने के लिए प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए बट आग से आप किसी के घर में आग भी लगा सकते हैं जला भी सकते हैं तो इंटरनेट को किस तरह से यूज करना है वो आपके हाथ में वेबसाइट जो है जिसमें पासवर्ड की डायरेक्टरीज हैं निर्देशिकाएँ हैं और प्रतिबंधित साइट्स जैसे कि पॉन साइट्स तक पहुँचने के तरीके हैं आ, ऐसे कृत्यों के खिलाफ कानून में आज हमारी थोड़ी सी कमी है तो इसलिए हम उसे कैसे निपटना है या कैसे निपट सकते हैं उसका हमने थोड़ा उल्लेख किया है बी में भारतीय न्याय संहिता में धारा वन है जो क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करती है कम मिस की बात करती है तो इसमें हमने इंगित किया है कि अगर आप वहाँ गए तो ये मिशिफ का या क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है बट समस्या ये है कि अगर हम ऐसा कानून क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है तो हमें जो है मैंसरिया प्रूव करने में दिक्कत आएगी मित्रों इंटरनेट पर धोखाधड़ी की अगर हम बात करें सो so, हमने जो है मॉड्यूल एक में देखा था व्याख्यान जो हमने पहले देखा उसमें हमने देखा कि धोखेबाज जो है अपने संदेशों को वास्तविक बना लेते हैं ऐसा तथ्य और कल्पना जो फैक्ट एंड फिक्शन के बीच अंतर कम हो जाता है देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या क्या ये वो वो इतनी सच्ची से मैसेज लगती मैंने आपको कल बताया था मेरे मित्र आशीष का जो है मेरे पास ई आता है कि मैं जो है लंडन में हूँ मैं बीमार हो गया हूँ मुझे बीस पाउंड भेज दीजिए तो ऐसे में मैंने आपसे कहा था आशीष को फोन करके पूछ लीजिए क्या वो लंदन में वास्तविक रूप में है या क्या वो कानपुर में है और और आशीष साहब को बोले नहीं सर मैं तो यहीं पे हूँ तो ऐसी जांच अवश्य कर लें क्योंकि नहीं तो जो धोखेबाज हैं ये आपसे आपका धन और आपका बाकी इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से निकाल लेंगे जैसे जैसे ये इंटरनेट का विकास हो रहा है सफ़ेद पोश अपराध का भी ग्रोथ हो रहा है आ, कुछ तरीके जो मैंने यहाँ बताए हैं बुलेटिन बोर्ड्स ई से स्पैम आता है ऑनलाइन निवेश के न्यूज़ विज्ञापन आते हैं आप लोगों को भी आते होंगे कि यहाँ पे प्लॉट ले लीजिए कस्टम्स में आपका माल फंस गया है इत्यादि इत्यादि तो ये जो है चीटिंग और फ्रॉड भारतीय न्याय संहिता में इसके अंतर्गत हम इसको ला सकते हैं चीटिंग धारा 318 319 में उल्लेखित है और फ्रॉड 335 336 और 340 धाराओं के अंतर्गत उल्लेखित है क्राइम और पनिशमेंट दोनों मित्रों डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन यानी कि डिजिटल सूचना का परिवर्तन डिजिटल सूचना को चेंज करना मॉडिफिकेशन डिस्ट्रक्शन एंड मॉडिफिकेशन करप्शन एक बहुत बड़ा खतरा है और ये कैसे किए जाते हैं वायरसेस ट्रोजन हॉर्स ट्रोजन हॉर्स क्या होता है जो किसी प्रोग्राम या किसी कोड के साथ अपने आप को अटैच करके आपके कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाता है जैसे ट्रोजन किया करते थे पहले ज़माने में हिस्ट्री में ट्रोजन्स किया करते थे लॉजिक बॉम्ब्स वर्म्स मित्रों आपको जान के शायद आश्चर्य हो या ना हो विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस दो भाई थे राशिद और अलवी ये कंप्यूटर की दुकान चलाया करते थे कंप्यूटर हार्डवेयर की दुकान पाकिस्तान में इन्होंने विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस ब्रेन का आविष्कार किया 1980 के दशक में तो अब वो एक सिंपल सा वायरस था उसके बाद एक और वायरस आया जो बहुत दुनिया में फैला हैप्पी बर्थडे वायरस और अब ऐसे ऐसे वायरस आ गए पिछले चालीस वर्षों में कि वो कंप्यूटर्स और कंप्यूटर सिस्टम्स को ही पूरी समस्या पैदा कर देते हैं कुछ दिन पहले एयरटेल का पूरा नेटवर्क ठप हो गया था दो घंटे के लिए एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी का पूरा जो है फ़ोन नेटवर्क ठप कर दिया था तो ये देखिए 1986 में अमजद और बासितलवी भाइयों ने दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस जिसका नाम ब्रेन था वो बनाया अब जो है हमारे पास मुख्य तीन चार प्रकार के वायरस होते हैं जो आपकी फाइल्स को खराब करते हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक आपके बूट सेक्टर कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा उसको खराब करते हैं मैक्रो लेवल वायरस और भी ज़्यादा खतरनाक है मित्रों जो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को ही ठप कर देगा सो फाइल इन्फेक्टर आपकी फाइलों को ख़राब करेगा बूट सेक्टर आपके कंप्यूटर को ख़राब करेगा और मैक्रो आपके शायद पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ही फैलने का प्रयास करेगा ये तीन मुख्य तरीके हमने उल्लेख किए हैं वायरस uh, में होता क्या है एक रेप्लीकेशन कोड होता है जैसे ह्यूमन uh, बॉडी के अंदर वायरस लगता है वैसे ही ये भी uh, इसमें हर वायरस में एक रेप्लीकेशन कोड होता है और uh, रेप्लिकेशन कोड के अलावा मित्रों अन्य कोड होता है जो वायरस के निर्माता डाल सकते हैं उसमें वो होता है कुछ वायरस पेलोड केवल एक संदेश प्रिंट कर देते हैं जैसे स्क्रीन पे दिखा देंगे हैप्पी बर्थडे दे, हैप्पी बर्थडे वायरस यही किया करता था कुछ वायरस जो है वो कोई प्रिंटआउट दे देंगे जो है और कुछ वायरस जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क को या कंप्यूटर को करप्ट करने की क्षमता रखते हैं मित्रों ये ध्यान रखिएगा इवन अगर वायरस में कुछ खतरनाक नहीं है फिर भी वो आपके कंप्यूटर को खराब कर सकता है क्यों क्योंकि कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन अगर जो वायरस डिज़ाइनर ने बनाया उससे भिन्न है तो कंप्यूटर खराब हो सकता है वायरस के आने से मान लीजिए जो वायरस का निर्माता है उसने वायरस बनाया है विंडोज एंटी के हिसाब से और आपके पास विंडोज टेन है और आपके सिस्टम पर आपने डाउनलोड कर दिया शायद आपको तकलीफ हो जाए मित्रों जो आपने आईपीसी में मिसचिफ पड़ा हुआ है Uh, वो uh, आज भारतीय न्याय संहिता में धारा 324 में उल्लेखित है uh, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स की हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो अभी हमने जिस चीज़ की चर्चा की ये डिजिटल सूचना को परिवर्तित करना डिस्ट्रॉय करना या उसमें चेंजेस लाना या उसको करप्ट करना इसकी परिधि में आ सकता है या नहीं मिशिफ के जो है इन्ग्रीडियंट्स uh, ये हैं किसी भी व्यक्ति या जनता के किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान होना चाहिए क्षति पहुँचनी चाहिए आपको इंटेंशन या नॉलेज होना चाहिए कि नुकसान होने वाला है आपका जो है या तो डिस्ट्रक्शन होना चाहिए या जो है वैल्यू में कम होनी चाहिए उपयोगिता या मूल्य में कमी आनी चाहिए कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान होता है तो इसका मतलब है संपत्ति को नुकसान है प्रॉपर्टी को नुकसान है आ, जो जहाँ तक इरादे का या इंटेंशन का सवाल है तो वायरस का जो निर्माता है उसके लिए एक ही वो बचाव है और जो भी बहुत कम किस्म का बचाव है कि मेरा कोई स्पेसिफिक इंटेंट या किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था बट वो जैसा कि मैंने आपको पहले उल्लेखित किया स्पेसिफिक इंटेंट आवश्यक नहीं है अगर जनरल इंटेंट भी है तो वो काफी है uh, उल्लंघनकर्ता के लिए सजा से बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्पेसिफिक इंटेंट प्रूव करना अनिवार्य नहीं है मित्रों मित्रों अब हम बात करेंगे इंटरनेट पे मान हानि ये सोशल मीडिया के आ जाने से इंटरनेट पर मानहानि बहुत बड़ा एक आ, मुसीबत बन गई है देखिए सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे हर तरह के व्यक्ति होते हैं जिनको लॉ ऑफ डेफेमेशन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है कोई लेना देना नहीं है आ, मैं अगर किसी व्यक्ति के बारे में बारे में गलत बात बोलता हूँ प्रकाशित करता हूं लिखता हूं यदि वो सत्य है तो तो वो एक डिफेंस है ट्रूथ इज अ डिफेंस अगेंस्ट डेफेमेशन बट अगर वो बात असत्य है मान लीजिए मेरे एक मित्र हैं मिस्टर ए मैं कह देता हूं कि मिस्टर ए चोर है तो मिस्टर ए की छवि खराब हो रही है बट यदि मिस्टर ए में वास्तविकता में चोरी की हुई है तो मैं बच जाऊंगा डिफेमेशन नहीं है वो। अब प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पे आ जाने से जिसका वो जो चाहे बोल देता है आ, लोग जो है हमारे शीर्ष नेताओं को गाली देते हैं लोग हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं इंटरनेट पे तो ये 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 एक बहुत इंटरनेट जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आ, लोगों को मानहानि के कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है कुछ समझ नहीं है और जो उपभोक्ता अनुकूल इंटरफेस है यूज़र ओरिएटेड इंटरफेस है ये बहुत आसानी से ऐसे ऐसे बयानों को देने लोग दे सकते हैं जैसे कि आ, उसमें वो सक्षम हो जाते हैं मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ एक सज्जन जो आ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने ऐसा बोल दिया कि फलाना फलाना विश्वविद्यालय में बहुत अनैतिक कार्य होते हैं रोजाना 2000 हजार कॉन्डम और शराब की बोतलें निकाली जाती है हॉस्टल से अब इस तरह की बातें करना इस तरह की बातें इंटरनेट पर प्रसारित होना आपको नहीं लगता वो उस इंस्टीट्यूशन को डिफेम करता है पुअर लाइट में दिखाता है और इंटरनेट के माध्यम से जैसा मैंने आपको बोला दुनिया भर में प्रचार हो जाता है और कागज़ पे जो आपने लिखा उसको फाड़ के फेंक सकते हैं बट इंटरनेट पर जो चीज़ आ जाती है वो आजीवन रहेगी इंटरनेट से कुछ हटाया जाना लगभग नामुमकिन है नामुमकिन नहीं बट नामुमकिन से थोड़ा सा ही कम तो न्यूज़ ग्रुप्स के माध्यम से ऐसा होता है मेलिंग लिस्ट होती है वन टू वन ई से होता है सभी सदस्यों को हम मेलिंग लिस्ट के माध्यम से ई भेज देते हैं अनुचित बयान होने की संभावना होती है हम ई मेल काफ़ी कुछ कह देते हैं शायद हम फेस टू फेस ना बोल पाए बट हम ई मेल कई बार लोगों को डिफेम कर देते हैं समूह के द्वारा जो है कुछ भी हम लिखते हैं वो दुनिया भर में पढ़ लिया जाता है इंटरनेट मानहानि से जुड़े मुद्दों की अब अधिकता बढ़ रही है क्योंकि इसमें जुरिस्टिक्शन को लेके इशू होता है थोड़ी सी कमी है लोगों में लीगल अवेयरनेस को लेके कारण यही है कि क्या इंटरनेट पे जो लेखन है तो क्या ये पब्लिकेशन की परिधि में आता है बस यही देखना आवश्यक है मित्रों ये, अ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जूरिस्टिक्शन को लेके क्या दिक्कतें आती हैं उदाहरण के लिए Uh, कोई भारतीय नागरिक हैं उन्होंने किसी बांग्लादेशी महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी की एक ऐसी वेबसाइट पे जो जिस वेबसाइट का स्वामित्व तो अमेरिका की कंपनी के पास है और उस वेबसाइट का जो सर्वर है वो स्वीडन में लगा हुआ है ये व्यक्ति भारत के नागरिक हैं बट जब टिप्पणी की तब इंग्लैंड में रह रहे थे और ये महिला जो है बांग्लादेश की नागरिक हैं बट जब टिप्पणी की तो फ्रांस में रह रही थी अब इंग्लैंड का कानून लगाओगे फ्रांस का लगाओगे भारतवर्ष का लगाओगे बांग्लादेश का लगाओगे अमेरिका का लगाओगे क्योंकि कंपनी वहाँ की है या स्वीडन का लगाओगे इसी सब ऊहा में जो है ये साइबर जो क्रिमिनल हैं ये फ़ायदा उठा लेते हैं बच जाते हैं इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की एक रजीम की आवश्यकता है मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ Uh, मान लीजिए किसी ने क्राइम कानपुर में किया और वो भाग के इटावा चला गया या भाग के राजस्थान में भरतपुर चला गया या भाग के दिल्ली आ गया आपको नहीं लगता इटावा की पुलिस और कानपुर की पुलिस और आगरा की पुलिस और भरतपुर की पुलिस और दिल्ली की पुलिस का आपस में समायोजन होगा बिल्कुल होगा पहले नहीं होता था बट सूचना के जो अब नए तरीके आ गए हैं इंटरनेट मोबाइल वगैरह दो मिनट में सारी जानकारी का आदान प्रदान हो जाता है एक जिप नेट नाम की चीज़ है कभी आपके पास समय हो तो इंटरनेट पर देखिएगा ये पुलिस फोर्सेस इंडिया में आपस में जानकारी साझा करने के लिए इसका प्रयोग करती है तो ऐसा ही कुछ जूरिस्टिक्शन के इशूज़ के लिए अगर पुलिस फोर्सेज ने देश के अंदर बना लिया है तो बाहर क्यों नहीं बना लेते देश के बाहर क्यों नहीं बना लेते क्योंकि उससे जो है ये हमें इंटरनेट पे होने वाले सभी क्राइम्स को रोकने में बहुत आवश्यकता बहुत आसानी होगी मित्रों सहजता होगी। मित्रों मान हानिकारक यानी कि डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स के लिए जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आई उसकी क्या देता है उसकी क्या लाइबिलिटी है देखिए इसको हमें दोनों साइड से देखना है इंटरनेट पे लाखों किस्म का डेटा रोज आ रहा है बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं तो आईएसपी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए सबको रियल टाइम में देखना पुलिसिंग करना पॉसिबल नहीं है बट आई इसको ये करना चाहिए कि जैसे ही सूचना मिली अपमानजनक पोस्ट को हटा देना चाहिए भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो जो सेक्शन तीन है धारा तीन है वो एक्सेप्शन उसका जो है टेन थ्री बताता है हु प्रिंट्स और इंग्रेव जो भी लिखता है या छापता है एनी मैटर knowing or 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 having good reason to to believe that such matter is defamatory or of any person shall be punished with simple imprisonment for a term up years fine both ऐसी असत्य जानकारी जो किसी व्यक्ति को बुरी नजर में दिखाती है फैलाता है प्रकाशित करता है उसको दो साल तक की सजा हो सकती है अब कोर्ट्स ने कहा है कि लिखित पब्लिकेशन के केस में जो लेखक और प्रकाशक है ऑथर और पब्लिशर दोनों की लाइबिलिटी बनती है मैंने आर्टिकल लिखा या मैंने लेख लिखा पर किताब आपने छापी पब्लिशर भी लाइबल है और ऑथर भी लाइबल है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की हुई है रंजीत उदेशी वाले केस में जिसमें जो किताब बेचने वाला व्यक्ति और किताब का प्रकाशक दोनों को ये जेल हुई क्योंकि किताब अश्लील थी उपसीन थी और ये लेडी चैटरलीज लवर है किताब का नाम तो उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया जो कि माना नहीं गया वो उन्होंने ये तर्क दिया कि नहीं देखिए जो है प्रकाशन या पब्लिकेशन पे जो भी जो भी इंटरनेट यूज़र लिख रहा है उस पर हमारा कोई कंट्रोल या नियंत्रण नहीं है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की देता है जो उनकी लाइबिलिटी है हर मामले में कोर्ट कहता है केस टू केस बेसिस पे हम देखेंगे हर मामले में देखेंगे इसका कोई सामान्य रूल बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है इस पे इंटरनेट पे जो है बहुत सारा मैटर आता है बट तुरंत इसको हटा देना चाहिए और जो सामग्री है उसके लिए भी आईएसपी के लिए भी रियल टाइम में पुलिस करना उसको रियल टाइम में मुश्किल हो जाता है शायद नामुमकिन भी इंटरनेट पर प्रत्येक स्थान पे प्रत्येक कथन को सेंसर करना शायद पॉसिबल नहीं है बट जो आईएसपी है उसको एक सुपरवाइजरी मैकेनिज्म परवेक्षित तंत्र डेवलप करना चाहिए और उनको इंकरेज करना चाहिए कि आप इस तरह का करें ताकि इंटरनेट पे ईमान हानिकारक बयानों को हम रोक लगा सकें कम कर सकें मित्रों ये कुछ साइबर अपराध और उनके जो दंड हैं उनका हमने यहाँ उल्लेख किया है आ, दस प्रमुख किस्म की चीजें हैं आ, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के स्वामी या किसी भी अन्य इंचार्ज पर्सन प्रभारी व्यक्ति की अनुमति के बगैर किया गया कार्य अवैध यानी कि इलीगल होता है बिना परमिशन किसी भी कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क के जो स्वामी हैं ओनर हैं या जो ऑथराइज्ड पर्सन हैं उनकी अनुमति के बिना किया गया कार्य इलीगल है आ, फिर नेटवर्क तक एक्सेस करना गलत है उसको एक्सेस को हमेशा सुरक्षित रखना है कोई भी डेटा या जानकारी डाउनलोड नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह का वायरस या संदूषक या कंटेमिनेटर आप अगर लेके आएंगे सिस्टम में उसको दूषित करने के उद्देश्य से वो गलत है आ, किसी भी कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क डेटा डेटाबेस इसमें रहने वाले किसी भी डेटा या किसी भी कार्यक्रम किसी भी प्रोग्राम को अगर आप जो है आ, जो उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करेंगे तो वो गलत हो जाएगा उसको आप बाधित करेंगे सही तरह से चलने नहीं देंगे तो भी गलत हो जाएगा आपके पास अधिकृत व्यक्तियों को आप कंप्यूटर में प्रवेश नहीं करने देंगे मेरे कंप्यूटर में आप मुझे ही नहीं प्रवेश करने देंगे या मेरे कंप्यूटर सिस्टम में मुझे ही नहीं प्रवेश करने देंगे इलीगल है मेरे दफ्तर में आप मुझे ही नहीं घुसने देंगे क्या ये ठीक है ये जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है उसमें अगर आप किसी और व्यक्ति को आप खुद क्राइम नहीं कर रहे हैं बट किसी और व्यक्ति को क्राइम करने में मदद कर रहे हैं तो वो भी क्राइम है कंप्यूटर uh, के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं uh, uh, जो इस तरह से छेड़छाड़ कर रहे हैं कि राम सिंह का बिल श्याम सिंह के पास चला जाए uh, मेरी मान लीजिए बिजली कंपनी का कंप्यूटर है और मैं ऐसा छेड़छाड़ करता हूँ हैकिंग करता हूं कि मेरा बिल मेरे पड़ोसी के बिल में ऐड हो जाए ये ओफेंस है आ, किसी भी जानकारी को डिस्ट्रॉय करना किसी भी डेटा को डिस्ट्रॉय करना हटाना बदलना नष्ट करना उसकी उपयोगिता को कम करना आ, ये ओफेंस है कोई भी तरह की चोरी कोई भी नष्ट करना बदलना कोई भी चीज़ छुपाना सोर्स कोड के साथ छेड़खानी करना नुकसान पुराने पहुँचाने के इरादे से ये भी ओफेंस है आ, इन दस तरह के जो हमने ऑफेंसेस का उल्लेख किया ऐसे में जो जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा जानते बूझते हुए ये मुआवजा देना पड़ेगा जो विक्टिम है जो पर्सन जिसका कंप्यूटर है जिसका सिस्टम है साइबर बर्बरता बैंकिंग वायरस इनसे निपटने के लिए ये कुछ तरीके हैं आईटी एक्ट आने से पहले यहाँ एक शून्य था वाइट था आ, और धारा चौवालिस और पैंतालीस में अतिरिक्त दंड का भी प्रावधान है कुछ सिचुएशंस में सोर्स कोड पे हमले ये हमारे आईटी एक्ट के तहत जो कुछ ऑफेंसेस हैं आ, नुकसान पहुंचाना आपत्तिजनक संदेश भेजना आइडेंटिटी थेफ्ट करना आ, चोरी हुए कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करना Uh, संचार के लिए uh, हमने जो है आइडेंटिटी थेफ्ट की पहले व्याख्यान में चर्चा की थी uh, प्रतिरूपण करना धोखा देने के लिए इम्पर्सनेशन करके किसी और को धोखा देना मैं जो है राम सिंह की आइडेंटिटी ले लूं और श्याम सिंह के सामने पहुंच जाऊं श्याम सिंह को धोखा देने के उद्देश्य से देन किसी की निजता प्राइवेसी का उल्लंघन करना साइबर आतंकवाद अश्लीलता या फुहड़पन जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं तीसरे लेक्चर में यौन स्पष्ट कार्य सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स वाली जानकारी दिखाना प्रसारण करना आ, उसका प्रकाशन करना बच्चों के चिन्हित करते हुए सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स करेंगे तो और ज़्यादा उसकी पनिशमेंट है सिक्सटी बी में ये सिक्सटी में है आई एक्ट में ये सिक्सटी ए में है ऐसे करके आगे हम देखेंगे आ, बिचौलियों द्वारा जानकारी का संरक्षण और रिटेंशन अगर कोई इंटरमीडियरी है वो बिना परमिशन के जो इन्फॉर्मेशन है उसको संग्रहित करता है प्रिजर्व करता है तो वो भी एक पनिशमेंट के योग्य है मित्रों अगर हम बात करें तो इंटरनेट जो है पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं का रिस्पेक्ट नहीं करता है ये अप्रासंगिक बना देता है आ, इंटरनेट में जो भी व्यक्ति इंटरनेट तक उसकी पहुंच है वो कहीं भी बैठकर किसी भी तरह से किसी भी आपराधिक कृत्य में भाग ले सकता है आजकल होने वाले हर क्राइम में एक साइबर डायमेंशन होता है आ, हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी युवक कसाब और उसके साथी आए और उन्होंने यहाँ पे टेररिज्म किया बॉम्बे में आ, मुंबई में छब्बीस ग्यारह में 2008 में तो वहाँ पर बैठ के जो सैटेलाइट फ़ोन से कम्युनिकेशन हो रहा था वो सब साइबर टेररिज्म है जो उनके आका बैठे पाकिस्तान में उनको निर्देश दे रहे थे ये साइबर टेररिज्म है ये साइबर लॉ की परिधि में आता है तो कोई भी व्यक्ति इस तरह के कृत्य में भाग ले सकता है योजना बना सकता है इसलिए जोग्राफिकल या पोलिटिकल बाउंड्रीज़ का कोई मतलब नहीं है अंतरराष्ट्रीय कानून में जैसे हाई सीज की अवधारणा है, वैसे ही इंटरनेट है कोई इसका मालिक नहीं है, बट सब इसका उपयोग करते हैं नो वन ओन्स द इंटरनेट एवरीबडी यूज इट साइबर अपराधों पर अगर आपको अंकुश लगाना है तो अधिकार क्षेत्र यानी कि जुरिस्ट्रिक्शन से जुड़ी समस्याओं पर निदान पाना सबसे अधिक आवश्यक है Uh, मेरा एक सुझाव है कि जिस तरह से समुद्री डकैती से निपटने के लिए हाई सीज़ पे होने वाली समुद्री डकैती से निपटने के लिए पायरेसी का कानून बन गया है वैसे ही साइबर अपराध को भी अंतरराष्ट्रीय अपराध के तहत लाना चाहिए और साइबर अपराध के खिलाफ किसी भी राष्ट्र में हम मुकदमा चला सकें ऐसी एक हमें मैकेनिज़्म संरचना बनानी चाहिए आ, साइबर अपराध पर अंतरराष्ट्रीय मॉडुल मॉडल कानून तैयार करना चाहिए जिसके आधार पर कोई भी देश स्वयं के कानून आ, पर मुकदमा चला सके और ये एक व्यवहारिक या प्रैक्टिकल सजेशन हो सकता है जी एट के जो देश है जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं दुनिया के आठ उन्होंने इस तरह की पहल आज से बीस साल पहले चालू कर दी है और उसमें काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई है आ, देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आ, साइबर अपराधियों पर हमें शिकंजा कसने में मदद करेगा और ये आवश्यक होगा सो मित्रों आ, ये हो गई बात हमारी जो आ, साइबर अपराध से निपटना साइबर क्राइम से निपटने के जो चैलेंजेस के जो तरीके हैं क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं चुनौतियां हमारे सामने हैं उनके बारे में आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और तीसरे लेक्चर में आपसे पुनः मिलेंगे देखते रहिए स्वयं प्रभा बहुत बहुत धन्यवाद